सियासी साजिशों का एक ऐसा खेल है जिसमें कोई चाल को खुद से भी छुपाकर चलना पड़ता है। ये शायरी छावनी परिषद के चुनावी राजनीति पर खूब भाती है। आपको बता दें कि देश की 62वीं छावनी चुनाव होना है। ऐसे में मेरठ कैंटोनमेंट बोर्ड ने भी चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी है और सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गए हैं। पूर्व अध्यक्ष बीना वधवा से बातचीत की तो उनका कहना है कि हमने अपने क्षेत्र में भरपूर काम किए हैं, कैंट की जनता को मोबाइल टावर की समस्या से भी निजात दिलाई है और साथ ही मेरठ कैंट को स्मार्ट बनाने की भी हमने काम किए हैं। ये बुलंदशहर के अजय प्रताप सिंह है जिनका कि एक स्कूल यहाँ पर है और उनके द्वारा विजिलेंस में शिकायत की गई थी कि यहाँ पर 70,000 रुपये की डिमांड फाइल पास कराने के लिए मांगी जा रही है। उस सूचना पर शमशेर सिंह DISP हैं, ये प्रभारी ट्रैप टीम है विजिलेंस के, इनके द्वारा अपनी टीम के द्वारा वहाँ पर ट्रैप किया गया तो DIS ऑफिस के पास गेट पर ये जो हैं बाबू नीरज कुमार, ये 70,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं और इस संबंध में थाना नौचंदी में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इनको जेल भेजा जा रहा है। इस मामले में रिश्वत मांगी गई, इनके द्वारा एक जो शिकायत की गई जय प्रताप सिंह द्वारा, उन्होंने बताया कि एक उनका स्कूल है उस संबंध में पत्रावली पास करने के लिए इन्होंने पैसे की डिमांड की थी। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले की कार्रवाई है, मुकदमा पंजीकृत होगा, ये विवेचना का विषय है, विवेचना में सारे तथ्य सामने आ जाएंगे कि क्या क्या मामला इसमें था, जैसा होगा आप लोग से फिर शेयर कर लिया जाएगा।